चुका है, छह टीमों के बीच में एंड सारी टीमें सर्कल के काफी अच्छे हिस्से में, एक शिफ्ट काफी कुछ यहाँ पर डिसाइड कर सकता है। आईएनडी के पास अगर सर्कल गया और बाकी टीम्स को मुश्किल में डालेंगे, अगर यहाँ पे अपोजिट साइड टीम गॉडलाइक की तरफ जाती है तो सेम सिचुएशन बाकी टीम्स के लिए भी अप्लाई होने वाले। बट स्लेयर को यहाँ पे टेक डाउन करते हैं, लास्ट का वो बुलेट चक क्लच गॉड की तरफ से नॉकआउट करने के लिए काफी था, काफी इसी तरीके से यहाँ पे टेक डाउन कर चुके हैं। लेकिन राइट साइड से एक जो मुसीबत है लाइट स्क्वाड का, वो कभी भी आ सकते हैं। आ गया चौकोई को यहाँ पे नॉक करते के साथ फिनिश ऑफ करेंगे। निंजा की तरफ से बात करें तो वो फिनिश निकाला गया, लेकिन फ्रंट साइड से बात करें चौनाथन वहां पे अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। चौनाथन की बात करें तो बैक टू बैक वहां पे नॉक निकाले, आज को टेक डाउन करेंगे। उसके बाद अब फिनिशेस की बारी है, यहाँ पे कंफर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सात फिनिशेस फिलहाल यहाँ पे टीम गॉडला के पास आ चुका है, उससे इंपॉर्टेंट सर्कल में केवल 18 मीटर इनको जाने की आवश्यकता है, बाकी टीम्स के लिए यहाँ पे मुश्किलें जरूर से यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं टीम गॉडलाइक। जी बिल्कुल, देखा जाए ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की तरफ से अकेले प्लेयर बचे, टीएसएम के शैडो को लफी के द्वारा नॉकआउट किया जाए, बट अजी को जॉनथन ने कंफर्म किया, बट लफी का फिनिश पॉइंट टीम गॉडलाइक के हाथों जाएगा। टीम ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एक अच्छे वाइटल पोजीशन से एलिमिनेट होते हुए टीएसएम के लिए एंट्री लेना पड़ेगा। आईएनडी के प्लेयर का फिनिश पॉइंट निकल जाएगा, शैडो को स्पॉट आउट किया गया, स्प्रे जाएगा नियो की तरफ से, नॉकआउट किया जाएगा गॉडलाइक। एक अच्छी शुरुआत की आशा में रहेंगे, क्लच गॉड के द्वारा फिनिश किया जाएगा, टीएसएम के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता है, इनको स्पॉट आउट किया गया, चेनिया पे डाउन हो जाएगी। टीम गॉडलाइक 12 फिनिशेस निकाल चुके अपने लिए, टॉप थ्री में आ चुके आईएनडी की तरफ से अकेले आएंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्रेटोस हम लोग को जिंदा देखने वाले, नीचे की तरफ नहीं जा रहे, नीचे जाएगा अच्छा ट्रेटर डीबी का, बस क्लच गॉड को डाउन किया जाएगा। टू मैन स्टैंडिंग गॉडलाइक के लिए मुश्किलें बनती जा रही, नीचे से नहीं जाएंगे, प्लेस को यहाँ पे आउटकट पकड़ा गया, रैंडम शॉट जाएगा प्लेस यहाँ पे हल्की से एचपी के लिए, देखा जाए कवर में पहुंच चुके हैं। निंजा की तरफ से क्लोज इन द रुक किया जाएगा, गॉडलाइक क्या वो रेडी है, बेशक क्लच गॉड को रिवाइवल मिलेगा जॉनथन की तरफ, निंजा के द्वारा नेट जाता हुआ, क्रेटोस प्लेस जोन से एलिमिनेट हो जाएंगे। लास्ट फाइट इट्स गोना बी अ 3v2 टीएसएम वर्सेस गॉडलाइक, मोस्ट अवेटेड फाइट। जॉनथन को नॉकआउट किया गया निंजा के नेट के द्वारा, चार्ज इन करते हुए टीम टीएसएम, क्या ये फाइट अपने नाम निकाल सकती है, गॉड लाइक इस मैच को निकाल सकते हैं। निंजा को डाउन किया गया, ब्लेज ओपन में ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे, टीम गॉड लाइक गेट्स दैट विनर, विनर चिकन डिनर विद ऑलमोस्ट अराउंड 14 फिनिशेस निकाल के गए इस पहले मैच।